तो हेलो दोस्तों, आपने लॉगिन किया है play.or को, जहाँ पे आपको मिलेंगे गेमिंग के बहुत ही अमेजिंग वीडियोस। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कि हमारे जो पहले जो मैंने आपको गेम बताया था कि पोकेमोन का गेम, जो कि बहुत ही काफ़ी खतरनाक गेम था पोकेमोन का, अभी तक आपने वो डाउनलोड नहीं किया है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बताया था कैसे डाउनलोड करना है, जिसमें आप एक पोकेमोन का पूरा सफ़र कर सकते हैं। और आज मैं उसी गेम के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आपने जो है पोकेमोन पकड़ लिया है उस गेम में, और आप अपने दोस्तों के साथ फाइट करना चाहते हैं पोकेमोन की, यानी कि पोकेमोन बैटल, यानी कि पोकेमोन फाइट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार है, आप एक असली ट्रेनर की तरह जो है अब फीलिंग आएगी, असली ट्रेनर वाली, हाँ बिल्कुल ही, जो आपको लगेगा कि मैं एस बन गया हूँ, यानी कि पोकेमोन का जो मेन कैरेक्टर है वो बन गया हूँ। आपको ऐसा ही लगेगा कि हम एक पोकेमोन की दुनिया में आ चुके हैं। आपको वो वाली फीलिंग अगर आप लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ही देख लेना, ताकि यहाँ पर आपको बहुत ही जो है अमेजिंग कंटेंट दिखने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आ गए हैं अपने मोबाइल की जो है स्क्रीन पर, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मैंने जो अगले वीडियो में बताई थी पोकेमोन की गेम, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, इसमें आप अपने फ्रेंड के साथ पोकेमोन बैटल कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पोकेमोन पकड़ लिए हैं और आप अपने फ्रेंड के साथ उस पोकेमोन से फाइट करना चाहते हैं तो कैसे फाइट कर सकते हैं, तो इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो का रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम है तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास रेडमी नोट 4, ये है वीवो का Y50YS, तो दोनों में काफ़ी अच्छी, और ये पोकेमोन गेम तो लेग कर ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ 5 MB का गेम है, इसका एम्यूलेटर भी 2 MB का है। तो अब अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे डाउनलोड करते हैं तो मैंने अगली वीडियो में बताई है, मेरी पहली वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है और सब कुछ सेटअप कैसे करना है। सिर्फ 8 MB का ये पूरा जो है सेटअप है इसका, एम्यूलेटर और ये गेम, और ऐसी बहुत सारी गेम्स है पोकेमोन की। और हाँ, जो एस ग्रे वाला वर्जन है पोकेमोन का, उसमें जो है नहीं करता ये वर्क, और क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लेयर का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली जो है, अगर आपने पोकेमोन पकड़ लिए तो सबसे पहले पोकेमोन आपको कहाँ से चेक करने, ये देखिए पोकेमोन, तो मेरे अभी तक 6 पोकेमोन पकड़े हैं, मैंने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया इस गेम में, और इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी ये पोकेमोन में जाके, ये तो यहाँ पे भी मेरे पास बहुत सारे पोकेमोन, ये मेरे फ्रेंड का जो है अकाउंट है, अकाउंट सॉरी मेरे फ्रेंड की गेम है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, अगर आप सबसे पहले इसमें आपको कनेक्ट करना रहता है दोनों ही एम्यूलेटर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जो 3 डॉट्स की लाइन दिखा रही है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, यहाँ पे लिंक रिमोट करना है, और एक जो है कोई भी एक फ़ोन को ब्लूटूथ सर्वर बना देना है, और जो दूसरे फ़ोन में जो ये क्लिक करना है यहाँ पर लिंक रिमोट, और दूसरे फ़ोन में क्लाइंट कर देना है। और यहाँ पे आपको जो है आप जो दूसरे वाला फ़ोन का नाम यहाँ पे दिखाएगा, अगर नहीं दिखा रहा है तो स्कैन फॉर डिवाइस कर दीजिएगा, पर मेरा दिखा रहा है तो यहाँ पे देखिए सिंपली कनेक्ट कर दिया है। देखिए दोनों ही एम्यूलेटर अब आपस में जो है लिंक हो चुके हैं। अब इन दोनों में अगर आप एक भी एम्यूलेटर को स्टॉप कर देते, देखिए यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ तो ये भी वर्क नहीं करेगा, देख सकते हैं, तो किसी भी का स्टॉप करके तो ये दोनों आप कनेक्ट हो चुके। तो सिंपली अगर आप पोकेमोन की गेम खेल रहे हो तो वहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे पोकेमोन सेंटर्स देखे होंगे, तो पोकेमोन सेंटर्स चाहिए। और हाँ, अभी तक जो है आपने एक भी बैज कलेक्ट नहीं किया है, नहीं यानी कि आपने एक भी जिम बैटल नहीं किया है तो ये वर्क नहीं करेगा। एक जिम बैटल करने के बाद ही जो है ये पोकेमोन की फ़ाइट आप अपने से जो है दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो जिम बैटल कोई सा भी एक बैज आपको चाहिए होगा, ठीक है गाइस। तो सिंपली ये वाला जो पोकेमोन सेंटर है कोई भी सिटी का चलता है, ऐसा नहीं कि दोनों में सेम ही सिटी का पोकेमोन सेंटर, कोई भी सिटी का पोकेमोन सेंटर में आप जा सकते हैं। ये लाल वाला जो घर है उसको पोकेमोन सेंटर बोलते हैं। उसमें अपस्टेयर्स में जाना है, अपस्टेयर्स यानी कि ऊपर जो एक सीढ़ियाँ होगी वहाँ पर जाना है। यहाँ पर जो है इस लड़की, ये लड़की होगी तीसरी वाली लड़की, उसके पास जाना है, इसमें भी हम चले जाते हैं। चलिए इसमें हम चले, और ये जो तीसरी वाली लड़की यहाँ पे आप देख रहे हैं, तीसरी वाली, ये दूसरी वाली काम नहीं करता है क्योंकि उसमें आपको ओरिजिनल एम्यूलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको कौन सी सर्विस आप यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिए विच ऑफ द सर्विस। तो यहाँ पे आपको ट्रेड सेंटर में नहीं जाना है, मैं पहले ही बता, तो उसके बारे में हम अलग ही वीडियो बनाएंगे कि इस ये क्या काम करता है, पर अभी इसमें नहीं जाना है आपको, सिंपली कॉलोसम में जाना है, कॉलोसम दोनों ही फ़ोन्स में। अभी इसे बात कर लेते हैं, तो हमको जो है दूसरी वाली सर्विस में जाना है। यहाँ पे आपको पूछेगा कि अब आपको कौन सी तरह की बैटल करनी है, सिंगल बैटल, डबल बैटल, यानी कि डबल बैटल में दो पोकेमोन आप एक साथ जो है
फेंक सकते हैं। मल्टी बैटल में बहुत सारे पोकेमोन, मैंने वैसे मल्टी बैटल अभी तक ट्राई नहीं किया है, सिंगल बैटल में यहाँ पे चले जाते, यहाँ पे भी हम सिंगल बैटल को ही सिलेक्ट कर लेते, दोनों में सेव गेम का ऑप्शन आएगा, सेव गेम कर लेते दोनों में, दोनों में यहाँ पे ऑलरेडी एक सेव फाइल होगी। और हाँ, इस गेम को सेव करने में सिंपली यहाँ से आप सेव कर सकते, ऊपर एक ऑप्शन आएगा। और कभी भी जो आप ये गेम स्टार्ट करें तब सेव मत करना, नहीं तो पूरी आपकी प्रोग्रेस जो है चली जाएगी। यहाँ पे तो आपको कंफर्म करने लगा है, ए से बटन दबा के, ए बटन दबा के कंफर्म कर देना है, आपकी ए बटन दबा देना है, ए बटन दबा देना है, ए बटन। देखिए अभी यहाँ पे सिंपली वो दोनों अपने आप जो है अंदर चले जाएंगे, और अंदर एक बैटल का ग्राउंड होगा, जैसा कि आपने पोकेमॉन सीरीज में देखा होगा बैटल का ग्राउंड होता है, वैसे ही पोकेमॉन में देखिए ग्राउंड होगा। ये देखिए यहाँ पे जो ये वर्क कर रहा है, दोनों ही कनेक्टेड है, तो दोनों ही एक एक स्टेज में चले जाना है। और सिंपली आपको ए बटन नहीं, यहाँ पे कुछ भी प्रेस नहीं करना होता, सिंपली ऑटोमेटिक ये पोकेमॉन फाइट हो जाती है। देखिए यहाँ पे मेरा एक पोकेमॉन कम है, क्योंकि मेरे पास अभी एक एग है, जो एग हमको मिलता है आगे प्रोग्रेस में। ये दोनों ही मैंने सेम ही जो है रखे है, क्योंकि मेरे सामने वाले जो फ्रेंड है उसने भी यही स्किन रखी है बॉय की। और उसके देखिए ये मेरे पोकेमोन है एरोन, और उसका है लोम्ब्रे। तो यहाँ पे हम फाइट करते हैं, चलिए मैं करता हूँ रोल आउट, और मेरे फ्रेंड ने किया कौन सा करता हूँ यहाँ पे सीक्रेट पावर यूज़ करता हूँ, हेलो। तो चलिए दोस्तों फाइट करते हैं पोकेमोन की बैटल। तो बड़ा ही मज़ा आता है ऐसे पोकेमोन की बैटल खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है हमारी पोकेमोन की गेम, जिसमें हम ऐसे इस तरीके से जो है हम जो है मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, यानी कि हमारे दोस्तों के साथ पोकेमोन फाइट कर सकते हैं, और एक असली ट्रेनर का जो है मज़ा उठा सकते हैं। कि बहुत लोगों को यार सपना होता है कि वो एक पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहते हैं, यार काश हमारी दुनिया पोकेमोन की दुनिया आती तो हम स्कूल नहीं जाते यार, पूरा दिन ऐस की तरह फाइट ही करे जो है करते रहते। तो ये थी पोकेमोन की गेम, ये बहुत ही मज़ेदार पोकेमोन गेम है, इसमें आपको पोकेमोन एडवेंचर का पूरा जो है मज़ा मिल जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो यार प्लीज़ जो है लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक आपने जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आगे भी गेमिंग कंटेंट्स और ऑसम गेम्स के जो है वीडियोस मिलते रहे। और हाँ, आपको कोई भी जो है वीडियो का सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी दीजिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों।